वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द पोएम स्वीट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन. क्लास 12th के छात्रों, आपको नमस्कार. आज हम पढ़ने वाले हैं स्वीट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन. ये क्लास 12th की आपकी पहली पोएम है और हम लोग ऐसा देखा गया है कि ये जो पोएम है जॉन डन के द्वारा लिखी स्वीट लव आई डू नॉट गो, ये पोएम आपके क्लास 12th के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में समरी लिखने के लिए इस पोएम की मोस्ट ऑफ द टाइम आता है. कभी अगर समरी लिखने के लिए किसी वर्ष ये समरी में नहीं आता तो इट्स कम्स इन अ सीन पैसेज. आपको मैंने इससे पिछली क्लास जो मेरा वीडियो अपलोड हुआ है उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से What is the format of the question paper? तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप इसे पढ़िए, बिकॉज आपको समरी कन्फर्म आनी है और सीन पैसेज एक पोएम कन्फर्म आना है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम. नाउ लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, हम लोग पढ़ें जॉन डन के बारे में. जॉन डन, हिज लाइफ स्पैन वॉज 1572 टू 1631, ये उनका जीवन काल है. द पायनियरी ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अ लिरिक्स एंड अ सेटारिकल वर्ड्स ऑफ अ मेटाफिजिकल. He was a poet who used to write a metaphysical poem. आध्यात्मिक, आध्यात्म का मतलब होता है फिजिकल चीज़ों से लगाव, जो चीज़ें हमको सामने नज़र आती हैं उन चीज़ों के विषय में नहीं, भावनात्मक लगाव, आध्यात्मिक लगाव. ईश्वर, पैसा इज़ अ फिजिकल थिंग बट इमोशन, लव, अफेक्शन, ह्यूमैनिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं आध्यात्मिक चीज़, उसके विषय में ये लिखा करते थे. वॉज बॉर्न इन अ लंडन इन टू अ प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक अच्छे परिवार में, कैथोलिक परिवार में जन्मे थे. क्रिश्चियनिटी जो है वो दो भागों में बटी होती है, कैथोलिक एंड नॉन कैथोलिक, यानी कि एंटी कैथोलिक. चूँकि इंग्लैंड जिस समय ये इनका जन्म काल था, उस जीवन काल था, उस समय इंग्लैंड वॉज बिंग डोमिनेटेड बाई एंटी कैथोलिक. सो when he was studying in Oxford University, he was being forced by the university so that to leave the college, to leave the university, though he was a good student. So he was being asked to leave the university without getting degree. इनको degree नहीं दिया गया. He studied law and read a theology, also participated into the two novel expeditions and became a secretary to a powerful noble, a job, एक इन्होंने एक अच्छी जगह पर वर्क किया, बिकॉज इन्होंने थियोलॉजी पढ़ा, लॉज पढ़े, उसके बाद इन्होंने एक लॉ के तौर पर काम किया. एंड ही हैज़ लॉस्ट द जॉब व्हेन ही वॉज वर्किंग एज अ पावरफुल सेक्रेटरी ओवर देयर. ही लॉस्ट द जॉब बिकॉज ही वॉज ब्रीफली सेंट टू द प्रिजन फॉर अ सेक्रेटरी मैरिंग हीज अ पैटर्न्स नीज. यानी जो मालिक था, जिस जॉब पर काम करते थे, वहाँ के मालिक की बेटी से इन्होंने विवाह कर लिया. सो इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डन एक्सपेक्टेड द ऑर्डिनेशंस इन एलिगेंट चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम. ये वहाँ पर जॉन डन ने ऑर्डिनेशंस, एक चर्च जो था इंग्लैंड में, वहाँ पर इन्होंने प्रीच का भी काम किया. प्रीच मीन्स पादरी, जैसे मंदिर में पुजारी, चर्च में पादरी. पादरी इज़ अ हिंदी वर्ड, तो प्रीचर इज़ अ इंग्लिश वर्ड. सो ही इन लव लिरिक्स डॉन ब्रू कम्प्लीटली विथ पैटर्न ट्रेडिशंस इंट्रोड्यूसिंग इंटेलेक्चुअल हिज लव्स पोएम यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ अ साइंस एंड जियोग्राफी टू हैमर होम एन अ पॉइंट. एंड ही हैज़ रिटन मेनी थिंग्स. नाउ लेटेस्ट सी, ही यूज टू राइट अ सॉन्ग ऑफ अ सेनेट. सॉन्ग ऑफ अ सेनेट का मतलब था 14 लाइन की पोएम जो लिखी जाती है. इसके बाद में आता है सटायर. सटायर इज़ अ वी विल एक्सप्लेन सटायर इन अ फॉर्म व्हेन अ पोएट राइट अबाउट हिज सोसाइटी इन अ फॉर्म ऑफ अ जोक. ही प्रेजेंट द सोसाइटी इन हिज पोएम इन अ फॉर्म ऑफ अ जोक्स. व्हेन द पीपल सी एंड लाफ, व्हेन पीपल रीड एंड लाफ, दैट इज सटायर. देन एलिगी इज अ सैड, शोक गीत कहेंगे हम इसको. और नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड हम इसको पढ़ते हैं. क्या है ये? स्वीट लव आई डू नॉट गो, यानी प्रिय, ये ही इज एक्चुअली इन दिस पोएम ही इज टॉकिंग अबाउट हिज डेथ. ही इज समवेयर एक्सप्लेनिंग हिज बिलव्ड
दैट आई एम बीइंग गोइंग फॉर एवर एंड डू नॉट क्राई, यू मस्ट नॉट क्राई सिंस आई एम बीइंग गोइंग बिकॉज द लव इज इमॉर्टल. ही इज एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ लव टू हिज बिलवड दैट लव इज एन इमॉर्टल. यानी प्रेम जो है वो अमर है, शाश्वत है, नश्वर है. और इसी चीज़ को इन्होंने अपनी बिलवड को एक्सप्लेन किया है इस पोएम में कि प्रेम जो है वो अमर है, शाश्वत है, नश्वर है. और इन्होंने इसको बहुत ही अजीब तरीके से प्रेजेंट किया है कि मैं जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा हूँ ये आप देखिए. स्वीट लव आई डू नॉट गो फॉर अवेयरनेस ऑफ दी. यानी प्रिय मैं जा रहा हूँ तुमसे ऊब कर नहीं, इसलिए तुमको छोड़कर नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे ऊब गया हूँ. नॉर इन अ होप. देखें हम नेक्स्ट आगे क्या है पोएम. यस नाउ इट इज विजिबल. सो व्हाट ही सेइंग, आई एम नॉट गोइंग नॉर इन अ होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी. यानी इस होप में नहीं जा रहा कि वर्ल्ड जो है मुझे एक पावरफुल प्रॉपर अच्छा लव प्रेजेंट करेगा. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन अ जेस्ट. तुम उदास मत हो, तब तक तुम उदास मत हो जब मैं तुमसे कुछ पलों के लिए जा रहा हूँ दूर जा रहा. उस समय तुम्हारा क्या होगा जब मैं फॉर एवर जाऊँगा. ओके ही सेइंग दैट. नाउ यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर. यानी यस्टर नाइट कल की रात. ये लिखने का इनका उनका अपना एक तरीका होता है, हर पोएट का एक अपना तरीका होता है. ये हमेशा आप देखेंगे कि गो दे गी इस तरह के मी एम ई मी होता है, बट मी बी ई बी डबल ई बी लगा देंगे. इसी तरह से यस्टर नाइट सन एस यू एन सन एस यू डबल एन ई सनी. दिस वॉज हिज वे ऑफ राइटिंग. तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हेयर टूडे. सो वट इज़ दैट कि कल की रात सूर्य चले गए थे. कहाँ चले गए थे, इट हैज़ सनसेट्स. तो वही वो कह रहे कि कल की रात सूर्य चला गया था और देखो आज भी है, यानी सनराइज हो चुका है. ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी. यानी उसके पास तो आने का कोई रीज़न नहीं था, सन के उदय होने का कोई कारण नहीं है, मगर वो फिर भी आया है. नॉर हाफ नॉर शॉर्ट. यानी मेरे पास तो जाने के बाद आने का रीज़न है बिकॉज आई एम बीइंग लिविंग टू यू हियर. सो नॉर हाफ नॉर शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी. इसलिए तुम डरो नहीं, मैं तो व्हेन आई विल गो आई विल कम बैक श्योर. नश्वर है ना शरीर, नश्वर है, मगर आत्मा प्रेम लव ये चीज़ें नश्वर शाश्वत है, इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता. इसलिए मैं जाता हूँ, अगर मैं जाता हूँ तो आई विल कम श्योर. सो वही उन्होंने कहा कि कल की रात सूर्य चला गया था और देखो आज भी है. सूर्य कल गया और आज आ गया. उसके पास कोई चाह नहीं है और न ही किसी प्रेम की आशा है, फिर भी वो आज आ गया है. तो मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं वापस जाकर फिर आऊँगा और सबसे छोटा रास्ता लेकर आऊँगा. तुम विश्वास करो आई विल कम बैक विद अ स्पीडर जर्नी एंड विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही सेइंग. ओके देन ओह हाउ फीबल इज अ मैन. यानी मनुष्य कितना फीबल मीन्स कमज़ोर. हाउ फीबल इज अ मैन मैंस पावर. आदमी की शक्ति कितनी क्षीण है, कम है, छोटी है, कमज़ोर है. दैट इफ गुड फॉर्चून्स फॉल cannot add it another. यानी अगर कभी अच्छा वक्त आता है उसमें वो एक पल जोड़ नहीं सकता. nor an half hours recall. आधा वो पीछे घिसका नहीं सकता. he cannot drag the good time little back up. but come bad chance. और ना ही वो बुरा वक्त को हटा सकता है. मनुष्य बहुत ही फिबल है, कमज़ोर है. सो क्या मनुष्य बहुत ही इस मनुष्य जो है, लेकिन इस बुरे समय में हमें मनुष्य जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और वो अपने अच्छे समय को थोड़ा भी बढ़ा नहीं सकता. इसलिए इस बुरे समय से हमें हिम्मत से काम लेना है
और साहस और धैर्य नहीं खोना है, और हमें अपनी प्रेम की जो शक्ति है उसको महसूस करते हुए इस बुरे समय का सामना साहस के साथ, स्माइल के साथ करना है। एंड वी जॉय टू इट्स आर स्ट्रेंथ, यानी ये जो बुरा वक्त है उसमें भी हमें अपने इस प्रेम से स्ट्रेंथ लेना है। एंड वी टीचेस इट्स आर्ट, और ये प्रेम जो है वो जीने की कला सिखाती है इट्स सेल्फ और अस टू एडवांस, और ये और हमें एडवांस शक्ति देती है ताकि हम और अच्छा जीवन जी सकें। लव इज़ नॉट अ बैरियर, लव इज़ अ ओपनिंग ऑफ अ वर्ल्ड, दिस इज़ द थिंग व्हाट ऑथर इज़ सेइंग। जॉन डेन जो है वो यही बोल रहे हैं। When though sight not winds, but the sights my soul away. When though weeps unkindly kind, my life blood oath decayed, it cannot be. यानी अगर तुम इस तरह से रोगे, what he is saying, प्रिय my beloved, इस तरह से रोकर विदा मुझे तुम मत करो। यानी when those sights not wind, but sights my soul away, यानी इस तरह से रो के अगर विदा करती हो तो मेरी आत्मा नहीं जा पाएगी। यानी प्रिय तुम इस तरह से रोकर मुझे विदा करोगी तो मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा आंसू देख कर मेरी आत्मा ही निकल जाएगी, माई सोल अवे। वेन दो वीप्स अनकाइंड एंड काइंडली, माई लाइफ ब्लड डोथ डिकेड, इट कैनॉट बी, और तुम्हारी ये आंसुओं को देखकर मेरे शरीर के अंदर का खून जो है वो धीरे धीरे जमने लगा, रुकने लगा, डिकेड कम होने लगा हो रहा है, इसलिए इस तरह से तुम मुझे विदा मत करो। दैट्स दो लव मी एज दो सेस इफ इन थिन माई लाइफ दो वेस्ट दो आर्ट द बेस्ट टू मी। यानी ज़िंदगी जो है वो जीने का नाम है, एक ये ज़िंदगी कला है, ज़िंदगी जीने का नाम है, सो इस कला से भी हमें सीख लेनी है, और आज हमारा जो विदाई है इसको साहस के साथ तुम हम मुझे विदा करो। आज जो हमारी विदाई है उस समय तुम हिम्मत के साथ मुझे विदा करो, ज़िंदगी को हिम्मत के साथ एक्सेप्ट करो और मुझे जाने दो। ये उनका रिक्वेस्ट है अपनी प्रियतमा से, अपनी बिलवड से, अपनी प्रेमिका से। ये जो ये उनका कहने का मतलब है कि लव इज़ नॉट अ बैरियर, लव किसी के पैरों में बेड़ियां नहीं डालता, बल्कि उसके जाने के वक्त उसको ओपन हार्ट, खुले दिल से विदा करता है। सो दैट टू एक्सेप्ट लव इज़ अ चेन प्रोसेस, लव त्याग का नाम है जिसमें सेल्फलेस लव है, सेल्फलेस बिना किसी बंधन के, यानी बिना किसी अपेक्षा के जो प्रेम हो वही प्रेम प्रेम कहलाता है, ना कि जिसको देखकर हमें आंखों को सुकून मिले वो प्रेम नहीं होता, आत्मा को सुकून मिलने वाला प्रेम की बात ये पोएट ने कही है। आगे हम पढ़ें क्या कह रहे हैं। लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट, लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंकर्स मी एनी इल डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर फुलफिल बट थिंक दैट वी वॉट इज दैट वॉट क्या कह रहे हैं कि लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट, यानी कि चलो लेट चलो अपने दिल को अब हिम्मत अपने हिम्मत दो मजबूत करो, डिवाइनिंग हार्ट को अपने मजबूत करो, नेगेटिव थाट्स को दिल से निकालो, जस्ट टेक आउट द नेगेटिव थाट्स से बाहर निकलो और किस्मत के दिए को एक्सेप्ट करो। डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंकिंग मी एंड इल, मुझे ये सब सोच के तुम और बीमार मत करो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, यानी जो जिंदगी ने हमें दिया है उसको स्वीकार करो। एंड मे द फियर फुलफिल, ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो डर है वही फुलफिल हो जाए, इसलिए चलो अपने नेगेटिविटी को बाहर निकालो, नेगेटिव थाट्स को बाहर निकलो और किस्मत के दिए को स्वीकार करो और अपने फियर अपने डर पर जीत पाओ, फियरलेस को फुलफिल करो, यानी कि फियरलेस उससे बाहर निकलो। बट थिंग्स दैट वी आर द बट टर्न असाइड टू स्लीप थिंक एज इफ नथिंग हैड हैपेंड एंड वी आर इन द सेम हाउस साइड बाय साइड हाउ वी ऑलवेज स्पेंड आर लाइफ दे हु वन अनदर कीप अलाइव एंड अलाइव नॉर पार्टेड बी। हमको जिंदगी अलग
नहीं कर सकती, थिंक इन दैट वे। सो सोचो कि हम साइड बाय साइड असलीप घर में जैसे रहते हैं, सेम वे वी आर बीइंग हियर, हम अभी भी जिंदा हैं और हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ये पोएट का कहना है। एंड नाउ लेट अस सी सम समरी ऑफ दिस पोएम। सो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, लिख भी लेंगे अगर आपकी इच्छा है तो, अदरवाइज़ आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। सो द स्वीट लव आई डू नॉट गो इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम रिटन बाय जॉन डेन। इन दिस पोएम द पोएट पोर्ट्रेट्स द पावर ऑफ अ ट्रू लव। ट्रू लव, पोएट जो है प्यार की जो एक शक्ति होती है उसको उन्हें पोर्ट्रेट किया, उसको चरितार्थ यहाँ पर लिख के किया है। द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड दैट ही इज नॉट रनिंग अवे थिंकिंग दैट ही इज फेड अप विथ इट और ही इज एक्सपेक्टिंग अ बेटर लव और अ फिटर लव। He is going because he has desire to die in the state of a bills. यानि poet ने कहा कि उसकी इच्छा है, poet क्या कह रहे हैं कि उसकी एक इच्छा है कि वो क्या है इच्छा, आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा ये रिटर्न मैंने समरी लिखी है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। क्या उनका कहना है poet का, poet का कहना है द poet tell his beloved that he is not running away thinking that he is fed up with it or he is expecting a better love or a fitter love। यानी कि बाहर का एक अच्छा दुनिया, घर के बाहर यानी प्रियतमा से बाहर जाने, उसके दायरे से बाहर जाने के बाद उसको कोई दूसरा प्रेम, एक बेटर लव मिलने वाला है, बट ही इज़ गोइंग बिकॉज ही हैज़ डिज़ायर टू डाई इन द स्टेट ऑफ ए बिल्स, यानी कि सुपर चरम सुख पर वो मरना चाहते हैं। ही वॉन्टेड टू लिव दिस बॉडी नॉट द सोल, ही वॉन्ट्स दैट वेन अ डेथ एक्चुअली कम He is fully prepared to face it। यानी कह रहे हैं कि जब मुझे मृत्यु आए तो मैं उस मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। द पोएट अश्योर हिज बिलवड दैट ही विल बी कम बैक एग्जैक्टली एज द सन कम बैक एवरी डे। यानी जिस तरह से सूर्य आते हैं प्रत्येक दिन, उसी तरह से मैं भी लौट कर आऊँगा। द पोएट प्रोमिसज दैट हिज रिटर्न विल बी फास्टर दैन Even the sun, because he has reasons to return। यानी कि poet के पास आने का reason है। The poet tell his beloved not to mourn his widow। यानी कि उस mourn means दुखद जाने को ना बनाया जाए। The pain of a poet is also distressed by seeing her sad। यानी कि poet का दिल जो है वो तकलीफ में है प्रियतमा के दुखी चेहरे को देखकर। He tells her that she will be presented with him। She will be present always with him. Both souls are connected to each other. So there is a no question of separation. There is a no question of death. This is the poet is explaining to the beloved that no one can depart these two souls from one. So the poet finally concluded that love is immortal. Yani jo prem hai, wo immortal hai, amar hai, nashwar hai, shashwat hai. So dear student, please like, share, subscribe. This is for class 12th. Sweet love, I do not go. आज के जो बच्चों का जो प्रेम है वो क्षणभंगुर वाला प्रेम है, वैसा प्रेम प्रेम नहीं होता, ये प्रेम है means metaphysical, जो किसी reason के बगैर है, selfless love, जहाँ पर किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं है, वो प्रेम होता है। अ लव विथ अ मदर, अ लव व्हेन अ मदर लव्स अ चाइल्ड लव्स हर मदर, सेम वे अ सिस्टर, अ लव बिटवीन, अ बॉन्डिंग बिटवीन लव अ ब्रदर एंड सिस्टर। सो दिस टाइप ऑफ लव इज कॉल्ड अ एक्चुअल लव। ओके, सो नाउ आई वांट टू कंक्लूड दैट लव इज इमॉर्टल, प्रेम अमर है, नश्वर है, शाश्वत है। So thank you dear students, please like, share, subscribe and be connected with this channel. Thank you.